Hi everybody. Okay, and we have to be live from Facebook and YouTube together. So, waiting for people to come and comment. All right. Hi Lavanya. Oh, okay, and this had to be turned. Of course, this is my first time and this always happens. Hi Gauri, how are you? So, hi Anmol. We'll wait for people to come. Wow, there are already a lot of people. I don't go much live. I'm not a live person, but yes. Hi Raj, I am good. Oh my god, so many people. Hi Shivam, oh, it's just going faster. Virendra, Danish, Radhe, Paramveer, Kamlesh, Singh Sandeep, hello ji, namaskar. Hey ma'am, thank you. I am good, how are you? Shubham Tiwari, hi. Hi Akshat, hi Ankit. Hi everybody. So I'm sure you know most of my journey. So hi everybody, say my name please. Hi Neha Gupta, how are you? And I said your name. Yes, you can send all the hearts and the likes, though I prefer the hearts better. Hi Sakshi. Hi Jeevan, okay, hi Mohammed, I am good and hope you're doing good too. Gagan, hi. Okay, this is stuck, okay. I'm sorry, yahan ke main naam nahi par pa rahi thi. Hi Sunny, hi Akhila. So, I'm here and the journey has been long till now, but very fruitful, I would say, for me. And I've had lots of fun, bahut sare incidents, bahut sari cheeze seekhne ko mili. Aur main chahti hu ki aapke dimag mein koi questions ho to mujhe zarur poochhe. Meri journey shuru hui jab main 10 saal ki thi, Mumbai ki. So I actually, lot of people don't know about me. उन्हें लगता है कि मैं इंडियन आइडल के दौरान या उसके कुछ वक्त पहले मुंबई आई. But I am in Mumbai since 96. I think, yeah, 96 or 98. And I am in Mumbai thanks to my father, who after being two daughters from being from a Jain family, generally लोगों की ये सोच है कि एक मारवाड़ी दिगंबर जैन फैमिली की लड़की है तो शायद इतना सपोर्ट मिले ना मिले. बट आई एम ग्लैड माई फादर इज़ एन अमेजिंग पर्सन और ही नोटिस माई टैलेंट व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, रादर 4, आई थिंक 4 or 5, यस. एंड मेरा कोई भी प्रोफेशनल म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे घर में एक म्यूज़िक को लेके बड़ी अच्छी वाइब्स हैं. और मेरे बड़ी पापा बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी बुआ जी गाती हैं, मेरे सारे जितने ताऊ जी हैं वो सब म्यूज़िक का शौक रखते हैं. एंड दैट्स वाई हमारे घराने में जो है गाना नहीं है लेकिन कान के बड़े सुरीले लोग हैं. मेरे फादर भी गाते हैं कुछ कुछ. सो ही रिकग्नाइज द टैलेंट इन मी एंड दैट्स हाउ ही गॉट मी हियर. सो हुआ यू कि मैं एक बार मेरी बहन, ये थोड़ी सी ट्विस्टेड एंड टर्न्ड स्टोरी है मेरे बारे में विकिपीडिया में, सो आई वांट टू क्लियर इट कि एक्चुअली दादू जो है रविंद्र जैन, लेट रविंद्र जैन जी, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, बट वो मेरी ज़िंदगी में मुंबई में आने के बाद आए. ही वॉज नो वेयर इन द सीन इन द अर्लियर टाइम. एंड मेरी बहन स्कूल के लिए, मैं एमरल्ड हाइट्स स्कूल में पढ़ी हूँ इंदौर में, और स्कूल के फंक्शन के लिए शी वॉज लर्निंग डांस ऑन पिया तो से नाना लगे. एंड वो गाना मैंने सुन के, और सुन सुन के कैसेट में बजता था, तो पापा को सुनाया एक दिन कह के कि मुझे गाना गाना है.
एंड ही वॉज लाइक कि कौन सा गाना गाना है, तो सुशांत सर के बारे में कुछ बोलिए, मैं ज़रूर बोलूँगी, उस बारे में मुझे खास बात करनी है। तो उन्होंने कहा कौन सा गाना सुनाना है, एंड आई सेड पिया तो से नैना लग रही। ही वॉज अ लिटिल शॉक्ड कॉज एक 5 साल की लड़की ये गाना गाने के लिए बोल रही है। तो मैंने सुनाया इवेंचुअली एंड ही लव्ड इट, एंड देन ही रियलाइज मे बी कि आई हैव म्यूजिक इन मी एंड मे बी आई एम बॉर्न टू डू म्यूजिक। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। हाय महरम महरम कर दीजिए रविंदर रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। महरम महरम मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगी। इट इज़ महरम महरम बोली जावा, ये मेरी पहली एल्बम है पोस्ट इंडियन आइडल, एंड आई एम इन टाइम्स, और मेरा ये कनेक्शन जो है बहुत ही प्यारा है। माई फर्स्ट एल्बम दैट आई लव, बहुत कम मौके मिलते हैं लोगों को कि अपनी पहली एल्बम अपने स्टाइल के म्यूज़िक के साथ करने के लिए, और मेरे तब के फ्रेंड म्यूज़िक डायरेक्टर, अब के मेरे पति, उन्होंने ये गाना कंपोज़ किया, उन्होंने ये फुल एल्बम कंपोज़ किया। आई विल इवेंचुअली सिंग ऑल द सॉन्ग, मोस्टली ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम दिस एल्बम फॉर यू। इट्स कॉल्ड मेहरम, इट वॉज रिलीज इन 2008 थ्रू टाइम्स, एंड व्हाट अ वंडरफुल वीडियो, एंड थैंक्स टू टाइम्स, गौरी एंड रजिता एंड एवरीबडी फॉर रिलीजिंग दिस वन फॉर मी। सो मैं हूँ इंदौर से, कौन पूछ रहा है, दीपक चौधरी साहब, मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, और वी ऑल लव मैरम, थैंक यू गौरी, आई विल जस्ट सिंग दैट फॉर यू, दी आई गेस शुड वर्क। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत सोना, थैंक यू कार्तिक नजारे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे सजित विश्वनाथ से पूछा है योर न्यू प्रोजेक्ट्स, हाँ
ओके आई सैंग फॉर शंकर सर फॉर द अपकमिंग मूवी जिसमें फरहान अख्तर है, राकेश ओम प्रकाश जी ने डायरेक्ट किया है उसे, बट जस्ट वेटिंग फॉर इट टू बी अनाउंस्ड ऑफिशियली. एंड आई हैव लर्न म्यूजिक फ्रॉम लॉट्स ऑफ गुरुज. एक्चुअली आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आई थिंक मेरी बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं पहले के ज़माने की, कहीं कमा के लाई हूँ मैं. सो व्हेन आई केम टू मुंबई, जैसे तैसे मैंने सबसे पहले सुरेश जी के यहाँ सीखा, सुरेश वाडकर जी के यहाँ मैं आई. कुछ महीने मैंने वहाँ सीखा, बट एज आई वॉज 10 ईयर ओल्ड एंड आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली, आई गॉट होम सिक एंड आई हैड टू गो बैक. सो वंस आई केम बैक, मैं अपने पहले गुरु से कनेक्ट हुई, और उनसे कनेक्ट होने के लिए भी जो लोग मेरे साथ रहे, आज भी मैंने तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ. दलजीत अंकल, प्रदीप खडूस्कर अंकल एंड हिज स्टूडेंट संजय भैया. सो उनके थ्रू मैं मेरे पहले ऑफिशियली जिनसे मैंने सीखा, सीखती गई और आज भी सीख रही हूँ, और वो मेरे पिता समान है, मनोहर राय जी, उनसे मैंने सीखा, और उनकी वाइफ जो अब नहीं रही, श्रीमती कृष्णा कल्लेन, उन दोनों से मैंने सीखा. वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअली ऑफिशियली शुरू हुई. पहले कुछ साल बहुत ही बेहतरीन रियाज हुआ है, सीखा है और सीखने मिला है. आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम भवदीप जयपुर वाले, और मैंने मेरे अब फादर इन लॉ, तब के मेरे गुरु श्री कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने इतनी शक्ति हमें दिना दाता, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ऐसे गाने जिन्होंने कंपोज किए हैं, उनके उनसे भी मैंने सीखा. फिर जसविंदर सिंह जी उनके बेटे हैं, उनसे भी मैंने कुछ सीखा. सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ ट्रेनिंग गोइंग ऑन, एंड मैंने बाद में अभी थोड़े टाइम पहले देवकी ताई से भी सीखा, रामदेश पांडे जी से. सो ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चल ही रहा है. ऑन विच स्टेज डू यू सिंग? वेल, आई सिंग लाइव ऑन माई ओन शोज, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ शोज विद मिस्टर सोनू निगम सर के साथ, बहुत सारे शोज करने को मिले. सो डेट ऑफ बर्थ, ओके, माई बर्थडे जस्ट वेंट 2 डेज बैक, 14 जून वॉज माई बर्थडे. एंड सॉरी आई एम नॉट बींग एबल टू रीड मच कॉमेंट्स ऑफ हियर बिकॉज ये रोल नहीं, स्क्रोल नहीं हो रहे. प्लीज सिंग सिंधी सॉन्ग, ज़रूर. सिंधी तो नहीं पता, बट हाँ एक सूफी कलाम मैं ज़रूर जल्दी सुनाऊँगी आपको अभी 1 मिनट में. सनी गंगवानी, थैंक यू सो मच. Please speak loudly and sing a song. Can you all hear me properly? Wait, hold on. Can you all hear me properly? Lavanya, how many hours do you dedicate to Riyaz every day? Honestly, Riyaz jitna bhi kiya jaye kam hai. Lekin I'll be very practical. I am a mother now and सो इट जब आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हो, सो टाइम आपके पास कम होता है, तो ऑलवेज यू नो लॉट ऑफ यंगस्टर्स आस्क मी कि आप कितना टाइम डेडिकेट करते हो. आई ऑलवेज टेल देम, व्हेन यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ, जस्ट डू म्यूजिक. आपके हाथ में खाना मिलता है, मम्मी आपके हाथ में खाना देती है, आपको कपड़े रेडी मिलते हैं, आपको पैसे कमाने का टेंशन नहीं होता, लाइफ चलाने का टेंशन नहीं होता. भाई म्यूजिक करने आए हो, जस्ट डू म्यूजिक. दैट्स ऑल, दैट्स वॉट आई वुड सजेस्ट. So, favorite cricketer, of course, Sachin Tendulkar. I used to love Rahul Dravid and Anil Kumble. So, Vicky, hi, over here. Hi, Krishna Mistry, Ali Hussain, hi. Thank you for telling me, Lavanya, can you hear you well? So, ऐसी मज़ेदार जर्नी रही है मेरी. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट इंडियन आइडल, हाउ इट वेंट एंड व्हाट हैपेंड. सो इंडियन आइडल हैपेंड रियली नाइस. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है मेरी ज़िंदगी का, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने हमें एक मतलब यहाँ अगर हम लोग चल रहे थे तो उससे सीधा यहाँ जम्प कराया. एंड पीपल नो अस वर्ल्ड वाइड. इट इज़ यू नो आर्टिस्ट के लिए रिकग्नाइज होना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स है. एंड इसका इंसिडेंट
एक मुझे याद है काइंड ऑफ अ फैन मोमेंट काइंड ऑफ एन इंसिडेंट विच आई नेवर फॉरगेट. सो आई वेंट टू लंडन आफ्टर इंडियन आइडल विथ सोनू निगम सर के साथ हम लोग लंदन गए थे टू डू अ शो. नाउ ही वॉज वेरी वेरी काइंड एज ही टुक मी एंड मोनाली ठाकुर बोथ ऑफ अस फॉर दैट शो बिकॉज दैट वॉज सपोज टू हैपन इन रॉयल एल्बर्ट हॉल. रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वहाँ परफॉर्म करने के लिए हम जब गए तो लंदन पहली बार जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा मुझे कौन जाने का, ठीक है व्हाटएवर. तो हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे ऑफकोर्स सर के लिए सब लोग सोनू सोनू करके आ रहे एंड देन फ्रॉम द भीड़ एंड आई एम लाइक यार दिस इज़ सो गुड यार वाओ दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. Suddenly आवाज आती है मीनल मीनल वी लव यू वी लव यू वी लव यू एंड इट वॉज सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि लोग मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हैं, मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड आई फेल सो हैप्पी. कट टू वी वेंट टू द शो एंड आई सैंग अ सॉन्ग ओवर देयर जो मैंने इंडियन आइडल में गाया था और बहुत ही फेमस गाना था. मैं जैसे ही स्टेज पे गई आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट मोमेंट. मैं जैसे ही स्टेज पर गई द ऑडियंस स्टार्टेड शाउटिंग मीनल मीनल वेलकम टू लंदन एंड वी लव यू एंड वंस आई स्टार्टेड सिंगिंग दे सैंग अलोंग विथ मी. सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट एंड इंडियन आइडल वाज अ स्टेज जिसकी वजह से मुझे रिकग्निशन मिला. सो I will try to learn music. You should, if you are pursuing music, I would request whoever is pursuing music, please learn. Please find a guru and learn from him. It or her. Guru bin gyan nahi mil sakta. So, favorite singer. Okay, there are a lot of messages coming up. Thank you. Thank you. फेवरेट सिंगर ओहो दैट क्वेश्चन. आप लोगों के फेवरेट सिंगर बताइए. मेरे तो बहुत हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है. पुराने तो नाम लेना ही पाप है, मतलब सभी हैं. रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर दा, ओ माय गॉड, सो मेनी ऑफ देम. सोनू जी, सुनिधि, श्रेया, हरिहरन सर, शंकर जी. I love all these people. I am a crazy fan of Sunidhi and she knows that. I really like the mad music she has in her and she's really nice. And mere bahut sare colleagues hain jinme bahut sari baatein mujhe achhi lagti hain. So you know all of my friends and colleagues I try and learn from them. Aao nahi sahi ho. Oh. एक गाना जो मेरे पतिदेव ने ही कंपोज किया है, इसे गाया है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे रबानी भाई ने और बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन है. सो बाबा बुल्ले शाह की राइटिंग है. सो लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच. एनीबडी कैन बी योर फेवरेट एंड यस हनी सिंह इज फेवरेट ऑफ लॉट ऑफ पीपल एंड सो इज रूपाली जग्गा. नहीं मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं मीनल जैन हूँ, मैरिड टू अ सरदार. सो सरदारनी शादी के बाद. आओ नी सही मिल दे बधाई, आओ नी सैयों मिल दे बधाई. अज आया मेरा सोना माही, आओ नी सैयों
Thank you so much. Thank you, Himani. I don't know you're here. Hi. Vakas Sheikh. Thank you so much. Himani is a fantastically awesome singer. And meri usse bhi achhi dost hai. Thank you so much. Hi, Arohi. Thank you, darling. Vipin, hi. Gauri, hi. Present time, Adi Vazam Rahat Wali Khan. Lots of messages, sorry. While singing, meri ek bahut kamal ki aadat hai, meri aankhe band ho jati hain. And I don't want to change it somehow. So... Amit Kumar, nice, thank you so much. So what do you all think about folk songs? So there, I was lucky. Shivam, I would love to sing Sakhi, if I have the permission. I was lucky enough in my times to have a full-on album, in my credit, you know, 8 ke 8 gaane mere apne, so it was a blessing, and that's how Mehram happened. Ek bar hi bol do. Hi, gaming. Dipali, hi. Shivam, hi. Okay, over here, lot of people. Remember Mehram, Mehram, that used to be my favorite song. Monica Sharma, Ankita Sen. Hi, Monica, thank you so much. Sandeep Bhateja, thank you so much. Okay, over here, bahut sare messages chhoot gaye hain. Anil, hi. Okay. Will you sing Teri Or for us? Teri Or, Teri Or. Can you sing Bengali? I would not, without the lyrics, nahin. Leon, thank you so much. Okay. Shivam, I will sing Sakhi soon. Sufi mein. Sufi. Okay. इसके पहले आई वुड लव टू सिंग घूमर. घूमर भी, घूमर वॉज देयर इन माई एल्बम. गौरी, डू यू रिमेम्बर? मैं आज बॉलीवुड के गाने से ज़्यादा अपने गाने सुनाने वाली हूँ आपको. सो Yes, so I'll sing Ghumar. Okay. आप लोग मेरे साथ डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं. हो हो भारी घूमर छे नखरा लिए माय, घूमर छे नख
घूमर रमबा मैं जासा ओ लडली घूमर रमबा मैं जासा भारी घूमर छे नखराली मार घूमर छे नखराली मार घूमर रमबा मैं जासा ओ लडली घूमर रमबा पपिहारी बोली प्यारी लागे मार पपिहारी बोली प्यारी लागे मार घूमर रमबा मैं जासा ओ लडली घूमर रमबा मैं जासा थैंक यू सो मच थैंक यू हाय रिंकू भैया ओ आपका फेवरेट सॉन्ग मैं फेवरेट सॉन्ग्स ही गा रहे हो मेरे सारे दीज आर ऑल माई फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज दे आर माई सॉन्ग्स आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू सिंग सखी गौरी Iris, I love your smile. Thank you so much. Lavanya, thank you, darling. Thank you so much. Gujarati song hai ye. Gujarati bhi gana hai. Achha. I will sing. I love Gujarati music though. This was kind of a mix of Gujarati and Marwad. Kavalcheet Kaur. Oh, Sasuma Namaskar. So, that's my mother-in-law. Bahut shukriya. थैंक यू सो मच एक और गाना है मेरी एल्बम से जो मुझे बहुत पसंद है विच इज़ कॉल्ड माए ना छुटता इश्क दीवाना बाबा भुल्ले शाह की राइटिंग्स हैं एंड दैट वॉज हेलो ऑल्सो रिलीज इन द सेम एल्बम सो आई विल सिंग दैट टू यू एंड देन आई विल बी सिंगिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सॉन्ग जो मुझे लगता है कि हर बंदा इस दुनिया में जो आया है वो उस गाने को जानता है सो आई विल सिंग दैट वन फॉर यू माए न छुटदा इश्क दीवाना माए न छुटदा इश्क दीवाना मिन्नता कर कर हारी तेरे इश्क दिमारी तू जितया मैं हारी माए न छुटदा इश्क दीवाना माए न छुटदा इश्क दीवाना मिन्नता कर कर हारी तेरे इश्क दिमारी तू जितया मैं हारी माए न छुटदा इश्क दीवाना सब घट मेरे साया सूनी सेज न कोए बलिहारी वा घट के जा घट पर घट होए
माए ना छुटदा इश्क दीवाना. थैंक यू सो मच. बीच में मैं बहुत सारे मैसेजेस साथ साथ में पढ़ भी रही थी. ब्यूटीफुल, बहुत खूब, क्या बात है, थैंक यू सो मच. कुणाल धीमन, यस सून, थैंक यू. लवली हेयर मैम, ओ वाओ, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच. गुड गोइंग मीनल कुड़िया, बहुत शुक्रिया. रोहित सिंह जी, सत श्री अकाल. सो ये ऑफिशियली, हिमानी यू नो हाउ गुड आई एम एट दिस, सो ऑफिशियली ये मेरा पहला लाइव है जहाँ मैं दो जगह पर एक साथ लाइव आ रही हूँ. एंड आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट आई होप आई एम डूइंग इट वेल. यू कैन टाइप द कॉमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ एम आई डूइंग. इस वाले सेशन में जो है वो बॉलीवुड वाले गाने नहीं हो पाएंगे, बट आई विल सिंग दैट सून. यू डूइंग अमेजिंग, थैंक यू लावण्या, माय शाइनिंग स्टार, थैंक यू सो मच. पंजाबी रिकॉर्ड्स, हेलो जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद. सो ऑल आई वांट टू से एंड शेयर विद यू ऑल इज द लाइफ एज वी से जो इंडियन आइडल से या सारेगामा से हमारे टाइम पे निकले हैं लोग उन्हें जानते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इनकी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है. आसान कुछ भी नहीं है और मुश्किल भी कुछ नहीं है. आसान अगर आपने सोच लिया कि उसे आसान बनाना है तो आसान बन जाएगी, अगर आपने सोच लिया कि उसे मुश्किल करना है तो मुश्किल हो जाएगी. यू जस्ट हैव टू बी इन सिंक विथ योर ओन माइंड. यू शुड नो दैट योर फैमिली is always going to be around you, and you have to give a lot of time to your art and be true towards it, and it will give you the aapke efforts jo hain, it will be recognized someday or the other. So hang on. To all the musicians who are watching this, jo already kamal kar rahe hain, unki to उन्हें वो सब ये जानते ही हैं, लेकिन जो नए उभरते कलाकार हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, डोंट गो बाय द पीयर प्रेशर, डोंट फॉलो द ट्रेंड, बी द ट्रेंड इज ऑल आई एम गोना से, जस्ट बी द ट्रेंड. जो आप करना चाहते हैं म्यूजिकली, अपने आप को इतना कमाल बनाइए, अपनी चीज़ को इतना, चाहे वो रैप हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो गज़ल हो, कोई भी सिंगिंग हो, कोई भी म्यूज़िक हो बेसिकली, उसको इतना कमाल बनाइए कि यू नो लोग तराशें आपको, लोग ढूंढें कि भाई ये बंदा या ये बंदी कहाँ मिलेगी. एंड मयंक सरकार, मेरा कमेंट पढ़ लो आप, आपका क्या कमेंट था, सॉरी. यूनिक स्पिरिचुअल वॉइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. सिंह महरम, मैंने महरम थोड़ी देर पहले गाया, कैन यू सिंग हमनवा मेरे, वुड लव टू डू दैट, ऑसम, आई नो व्हाट अ वॉइस यू हैव, ऑल द बेस्ट. थैंक यू शुभम गौर, बहुत शुक्रिया. कोई अच्छा सा गाना सुनाइए. अच्छा जी, अश्कादीमाला, अश्कादीमाला सुनाया जा सकता है, वो मेरा अपना गाना है. आई वुड लव टू सिंग दैट हिम्स. एंड उससे पहले अनिल कुमार, कैन यू सिंग सखी सॉन्ग, ओ माय गॉड गौरी, आई शुड हैव आस्क्ड यू अबाउट दिस. सखी, इट इज a song which I had sung in Satyamev Jayate, and matlab ye gana mere dil ke bahut kareeb hai, because it is based on a very serious topic, that is domestic violence, and it gives I have received so much of love through this. So many people who have gone through this have written to me, and they find peace through this song, and that's the biggest blessing I think I can receive through a song. मैं एक गाना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक ऐसा कलाम है जो which everybody loves आपके लिए.
मैं इस तानपुरे को इस तरफ कर लेती हूँ और फिर Yes, I know Gauri. That's why I've been telling them. I've been receiving that message like so many times. Shivam, मेरा जब ये लाइव खत्म होगा आप प्लीज पहले थोड़ा सा पहले जाके देखेगा, मैंने मेहरम सबसे पहला गाना गाया है. सो ओ लाली मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. ओ लाल मेरी हाँ लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा. पंजवा में बालन आईया बला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आईया बला झूले लालन, सिंदड़ी दा है सेवण दा, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर. सब लोग गा सकते हैं मेरे साथ. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. हो लाल मेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मयंक सरकार बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू. प्रतिभा थैंक यू सो मच, लावण्या थैंक यू, अली हुसैन बहुत शुक्रिया. प्रतिभा को आप सब जानते हैं, मैं उसे प्रतिभाशाली कहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभावान है लड़की और बहुत ही खूबसूरत गाती है, बहुत ही उम्दा गाती है. मेरे सारे दोस्त यहाँ पर कमाल कर रहे हैं, योर म्यूजिकल जर्नी सो फार इज ग्रेट, यू आर अ वर्सेटाइल सिंगर. थैंक यू गौरी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. वाह ये कमेंट बड़ा अच्छा है, तो बहुत खूबसूरत गा लेते हो. जी मैं बहुत खूबसूरत गा लेती हूँ कि नहीं पता, बट गाने गाना जो है उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और मेहनत ही सब कुछ है. पंकज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीबॉडी. ओ माय गॉड सो मेनी मैसेजेस, थैंक यू सो मच. एंड ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू फॉर वॉचिंग द लाइव एंड थैंक यू टाइम्स फॉर releasing Mehram and connecting, and I am sure we are going to do many more projects, and
आई वुड लव टू थैंक हरप्रीत सिंह, जो मैंने आपको बताया था मेरे पतिदेव हैं, और उन्होंने मेहरम कंपोज किया, मेहरम के सारे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। आओ नहीं सही हो जो मैंने गाया वो भी उन्होंने कंपोज किया है। एंड पीपल से वी मेक अ ग्रेट कपल, एंड आई ऑल माई म्यूजिक आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड सो आई वुड लव टू थैंक हिम, वन ऑफ माई गुरुज। मैं सॉन्ग लिखता हूँ आपको कैसे दे सकता हूँ, ज़रूर बात सुनूंगी मैं आपकी। बहुत शुक्रिया, सो इट वॉज़ लवली कनेक्टिंग विथ यू। आप सबके थैंक्स मैं उन्हें पहुँचा दूंगी, एंड थैंक यू गौरी, एंड थैंक यू टाइम्स म्यूजिक। कैन ही मेक अ गेस्ट अपीयरेंस लवन्य? आई वुड आस्क हिम इफ यू कैन मेक अ गेस्ट अपीयरेंस फॉर श्योर। एंड ये बाबा कैसे उनको बुला, अशका दी माला। तेरे बिना एक पल सानू चैन ना वे, अशका दी माला मेरे गल विच पाके, जावी ना जावी ना छड़ जावी ना, जावी ना जावी ना छड़ जावी ना, अशका दी माला, अशका दी माला। सर, अशका दी माला इज ऑल्सो कंपोज्ड बाय दीपति देव। इन्हें बुलाया जाए अंदर, आप लोग क्या बोलते हैं, बुलाया जाए? हरप्रीत सिंह जी, जसविंदर भैया इज ऑल्सो हियर, थैंक यू भैया, ओ माई गॉड, ही इज द स्टार ऑफ आवर हाउस, एंड बहुत ही कमाल गाते हैं, और मेरे सो ब्लेस्ड टू सी हिम हियर। थैंक यू जसविंदर भैया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो आई विल जस्ट कॉल हिम फॉर अ क्विक हाय, एंड नेक्स्ट Give me a second, I'll be back. I am back, and I have just manaud him to, he is a very shy person, he is not really there, he is kya kehte hain usse, behind the scene wala banda hai, he is happy to compose and be blessings from dad. Oh, dad is also here, Kuldeep Singh ji, आप सब जानते हैं द लेजेंड हिमसेल्फ, माई फादर इन लॉ, आई एम ब्लेस्ड, डैड पेरिपोना, एंड वाओ, आई एम सो हैप्पी, सो मेनी पीपल आर हियर। निक्स इज एन ऑसम कंपोजर, यस ही इज। तो जब तक ये आ रहे हैं तब तक एक ऐसा गाना, आइए जी। हेलो, हे एवरीबॉडी, हाय हाय, वाओ, इट्स नथिंग लाइक दैट, आई एम शाय और समथिंग, बट इट्स ओनली दैट आई डोंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स व्हाई आई सेड बिहाइंड द सीन। So he is the man, the composer of Mehram, composer of Aoni Sahiyo and all the other songs. And thank you for coming, Lavanya says. Thank you. Happy thank Singh you. Entertainment says, hi, how are you? Mehram बहुत ही बढ़िया बनाया है आपने, रविंदर रवि करके एक हैं जो कह रहे हैं। Thank you everybody, thank you. Hi Nikku Bhaiya, Himani says hi. Yes, Gauri. Hi, how are you? Ekkunkar, yes.
कौन कह रहे हैं, एक्सपीरियंस कौन कहा, कहाँ है एक ओंकार? एक ओंकार ओ वाह आयरन, हाँ यहाँ आप आधे आ रहे हैं तो इधर नीचे आ रहे हैं यूट्यूब पे, यस मैं आप यहाँ हो तो मैं हिम्मत अशकादी माला हिमाकत कर रही हूँ, हाँ अशकादी माला जो है वो बाद में करेंगे, मैं हिमाकत कर रही हूँ हाँ क्योंकि अभी गाया ही नहीं मैंने बहुत टाइम से, तो मैं हिमाकत कर रही हूँ, नहीं मैं रो रो गाने के लिए मैं वहाँ जाके सुनूँ, नहीं यहीं पे यहाँ नहीं मैं रो रो बाट निहारा रो रो बाट सावल मोड़ मुहारा हो सावल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मनावा मुल्ला को लो तवीज लिखावा मन 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 पीर मनावा मुल्ला को लो तवीज लिखावा नी मैं कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मुहारा हो सावल thank you so much thank you for giving me these songs and we would like to thank you everybody who has come to watch us we are soon coming with lots and lots of new music and main ransom pe rakhe hain music banwa ghar ke music director ka fayda utha rahi hu and please keep watching us and giving us all the love that you have showered on us thank you so much thank you bye everybody thank you bye मैं टेक्निकली नहीं हूँ तो मुझे एंड कहाँ से करना है वो भी पता नहीं है बाय एवरीबॉडी थैंक यू सो मच गौरी थैंक यू टू ऑल द पीपल हैव कम एंड हर्ड मी मेरे बड़े पापा भी आए हैं दोनों को बधाई थैंक यू सो मच विनीत थैंक यू क्विकली आई एम गोना टेल ऑल द नेम्स वेलकम ब्रदर थैंक यू सुशांत पाजी अली हुसैन बहुत शुक्रिया Shout out, please. Thank you, Shubham. Thank you so much. Thank you, everybody. जिनके नाम मैंने नहीं लिए आई एम रियली सॉरी बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कॉमेंट्स एंड आई विल बी गोइंग थ्रू एंड आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू हु हैज कम हेयर एंड हर्ड मी एंड वी विल मीट अप सून थैंक यू सो मच थैंक यू कीप ब्लेसिंग एंड कीप गिविंग ऑल द लव थैंक यू सो मच ओके हाउ डू वी एंड दिस